पिछले कुछ दिनों से भागलपुर के जेडीयू नेता चर्चा में हैं। इनकी चर्चा का कारण राजनीतिक नहीं बल्कि दबंगई और अवैध काम है। पहले नाथनगर विधायक अवैध शराब मामले में फंसे और अब जमुई सांसद पर भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप है। ये वही सांसद हैं जो कोबरा पोस्ट की स्टिंग में भी फंसे हैं। पिछले साल नाथनगर से जेडीयू विधायक अजय मंडल चर्चा में रहे, उन पर अवैध शराब के धंधे से जुड़े होने का आरोप लगा, तो अब भागलपुर निवासी और जमुई से जेडीयू सांसद भूदेव चौधरी चर्चा में हैं। कोबरा पोस्ट के स्टिंग के बाद उन पर अवैध रूप से भूमि कब्जाने का आरोप है। भूदेव ने जुलाई 2006 में काजीचक निवासी तारा देवी से अपनी पत्नी इंद्राणी चौधरी के नाम 5.5 कट्ठा जमीन खरीदी थी। यहाँ किसी और का कब्जा था, लेकिन 20 दिसंबर 2012 को DCLR के आदेश के बाद 29 दिसंबर को बुलडोजर ने यह मकान ध्वस्त कर दिया। सवाल है कि DCLR ने अपील टाइम को नजरअंदाज कर बुलडोजर कैसे चलवा दिए। खुद कमिश्नर मानते हैं कि आदेश के बाद 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया, इसके लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। DCLR के समझ में ये हो कि 30 दिन के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, कि ऐसा नहीं है, ये हम लोग जवाब पूछेंगे और क्या जवाब देते हैं उसके हिसाब से। आरोप है कि सांसद ने तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर दबंगई से ये जमीन कब्जा कर लिया। मसलन करोड़ों की जमीन लाखों में कैसे खरीदी गई? आवासीय जमीन को परती क्यों दिखाया गया? जमीन मकान का खसरा नंबर 727 है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में नंबर 427 क्यों? 20 दिसंबर को DCLR के आदेश पर 29 दिसंबर को ही कार्रवाई क्यों, जबकि टाइटल सूट पर जनवरी में सुनवाई थी? DCLR ने 250 लंबित मामलों को छोड़कर इस भूमि पर कार्रवाई क्यों की? सांसद ने 2006 में ही कब्जा क्यों नहीं लिया? पावर ऑफ अटॉर्नी कब बना? रजिस्ट्री के समय वारिसों की जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेचने वाली तारा देवी का भूस्वामी साधु मिस्त्री की पत्नी होने पर ही विवाद है। सांसद इन सारे आरोपों को नकारते हैं। साधु मिस्त्री ने स्वयं पावर ऑफ अटॉर्नी यह कह के दिया है कि ये मेरी पत्नी है तारा देवी, और इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ और कोर्ट में दिया है। सबसे बड़ी बात है कि स्टाम्प पेपर पर नहीं, बल्कि कोर्ट में उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। और कई तरह के प्रमाण है जो आपको बताया कि नगर निगम का रसीद है, वोटर आई कार्ड उसका नाम है, बिल्कुल वो जमीन जमीन है। कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही तय होगा कि जेडीयू सांसद ने प्रभाव से जमीन पर कब्जा किया या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई। समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन।